प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो एक काम करते हैं, कोई भी एक बॉडी लेते हैं और एक एक्सिस लेते हैं जिसके सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, और मान लो उस एक्सिस का नाम क्या है, आई ऑफ ए बी। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो, एक मिनट के लिए, एक पार्टिकल मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसका मास है एम टू, और एक पार्टिकल मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसका मास है एम वन। तो अगर मैं ये पूछूँ कि एम वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस सपोज इस एक्सिस से आर वन है, और एम टू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, आर टू है, और मैं आपसे ये पूछूँ कि बताओ आई ऑफ ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अभी मैंने दो ही पार्टिकल लिए हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, तो बोलो क्या होगा, एम वन इंटू कितना, आर वन स्क्वायर, एम टू इंटू कितना, एम टू इंटू आर टू स्क्वायर, करते करते कितना, एम एन इंटू आर एन स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे 2, 3, 4, 5 n तक। तो आई ऑफ ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, सिग्मा एम वन एम टू एम थ्री एम फोर की जगह एम आई, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर थ्री स्क्वायर की जगह आर आई का स्क्वायर, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एक्सिस चेंज करना है। सेम फिगर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ये फिगर है, इस फिगर के अंदर मैंने एक एक्सिस जो अभी ड्रॉ करके दिया था वो कहाँ पर था, वो कहाँ से पास हो रहा था, सेंटर ऑफ मास में से। तो एक पार्टिकल कितना था, ये रहा एम टू, एक पार्टिकल कितना है, ये रहा एम वन, और इसका नाम क्या है, ए बी। तो इसके अंदर एम टू का ये डिस्टेंस कितना था, आर टू, और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, आर वन। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरा जो एक्सिस है वो ये लेना है, और मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आपको निकाल के देना है, सी डी। ए बी का नहीं, ए बी का तो अभी मैंने पूछ लिया आपसे कि ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपने मेरे को आंसर दिया एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हमने किया हुआ है। पर मेरे को अब किस में निकालना है, मेरे को सी डी का निकालना है। तो एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को मेरा क्वेश्चन किस में ढूंढना है, सी डी के अबाउट, और इन दो एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कितना ले लिया मैंने, h। तो अब मेरे को इन पार्टिकल्स का डिस्टेंस ए बी से नहीं चाहिए, अब मेरे को कहाँ से चाहिए, सी डी से चाहिए। तो जैसे सपोज करो एम वन है, एम वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस नए एक्सिस से बोलो क्या होगा। देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, आर वन है, ये डिस्टेंस कितना है, ये एच है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, आर वन माइनस एच, तो आर वन माइनस एच हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से एम टू का डिस्टेंस नए एक्सिस से क्या होगा वो निकाल देते हैं, बोलो क्या होगा, ये आर टू है, ये एच है, ये आर टू है और ये वाला एच है, ठीक है। तो क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा R2 प्लस
एच, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने मोमेंट इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, हमने निकालना है अबाउट सी डी। तो बोलो फर्स्ट पार्टिकल का क्या बनेगा, एम वन इंटू आर वन माइनस एच का होल स्क्वायर, एम वन इंटू आर वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एम टू इंटू आर टू प्लस एच का होल स्क्वायर, एम वन इंटू आर वन माइनस एच का होल स्क्वायर, एम टू इंटू आर टू प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एम थ्री इंटू, बोलो क्या आएगा, एम थ्री इंटू आर थ्री, आर थ्री आगे पता नहीं प्लस पता नहीं माइनस, वो डिपेंड करता है कि एक्सिस के इधर पॉइंट है या एक्सिस के इधर पॉइंट है, मैं कुछ कह नहीं सकता, प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर मुझे मालूम ही नहीं, ऐसे अगले पार्टिकल्स का मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें एम वन एम टू एम थ्री की जगह लिख लेते हैं सिग्मा एम आई इंटू आर वन आर टू आर थ्री की जगह आर आई, माइनस प्लस माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस, एच 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 की जगह एच का होल स्क्वायर, क्योंकि जब पता ही नहीं, क्योंकि कुछ पार्टिकल में प्लस आ रहा है कुछ में माइनस आ रहा है, तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया, प्लस माइनस, जर्नलाइज स्टेटमेंट हो गई। तो ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसे ना एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करके मेरे पास आएगा आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू सिग्मा एम आई, देखो ये अंडरस्टूड है वन से एन तक है, एम आई आर आई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस माइनस टू इंटू आर आई इंटू एच। तो ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है यहाँ तक? तो आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू सिग्मा, इसे ओपन करते हैं, एम आई आर आई स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सिग्मा एम आई एच का स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा एम आई इंटू टू इंटू आर आई इंटू एच फ्रॉम आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, एम आई को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ही ओपन कर दिया। ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू, एक बात बताओ, ये हमने अभी सॉल्व किया था, बोलो इसकी जगह क्या लिखें, आई ऑफ ए बी, चेक करो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, आई ऑफ ए बी था ये, प्लस सिग्मा में से एच स्क्वायर कॉमन आ गया तो एम आई बच गया, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, प्लस माइनस टू एच कॉमन आ गया तो क्या बचा, एम आई इंटू आर आई बच गया, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, तो इसके अंदर नेक्स्ट आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू आई ऑफ ए बी प्लस एच का स्क्वायर एम आई, इसको ओपन करो, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, तो टोटल मास क्या आएगा, एम सिग्मा एम आई क्या देगा, एम, देखो थ्योरम बन रही है ना, आई ऑफ सी डी
आई ए बी कहां से पास कर रहा था, सेंटर ऑफ मास में से प्लस एम एच स्क्वायर। तो अंडरस्टूड है कि इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, तभी आंसर सही आएगा। यही थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अब ये जीरो क्यों होगा, ये क्वेश्चन है, ये जीरो क्यों होगा और ये जीरो होगा। मैं छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ ये जीरो क्यों होगा, ठीक। हाँ, सेंटर ऑफ मास के से आधे पार्टिकल राइट होंगे और आधे पार्टिकल लेफ्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो ये एक बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा। तो इमेजिन करो ये एक्स एक्सिस है और मैंने सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट माना वो मान लिया 0, 0। तो ये आर वन डिस्टेंस पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर वन कॉमा जीरो। ये आर टू डिस्टेंस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस आर टू कॉमा जीरो, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मेरे को ये चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जीरो है, तो एम वन इंटू आर वन प्लस एम टू इंटू माइनस आर टू बाई एम वन प्लस एम टू। तो ये तो ऑब्वियसली कट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आएगा, एम वन आर वन प्लस माइनस एम टू आर टू का क्या है, जीरो। क्या मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एम आई आर आई इक्वल टू क्या, जीरो। अगर दो ही पार्टिकल होते तो हाथ हो गया जीरो, ये तो दो के साथ शो किया, ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी एग्जैक्टली सेम रिजल्ट होगा। तो सिग्मा एम आई और आर आई का रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो। तो ये थ्योरम का प्रूफ है, पेपर में आए या ना आए ये स्कूल के टीचर से पूछना है आपने, मैंने आपको बता दिया। आएगी तो एप्लीकेशन ही आएगी, वैसे वैसे नॉलेज ही बता रहा हूँ, प्रूफ नहीं आएंगे, एप्लीकेशन ही आएगी जो हम करने वाले हैं। ये वाला अब जो बचा हुआ लेक्चर और अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे बेस्ड है।